भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी आज मुरादाबाद में मौजूद रही। जिगर मंच पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना MSME के शुभारंभ के मौके पर बैंक कर्मियों और पीतल कारोबारियों को संबोधित करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि सरकार लघु उद्योगों के कायाकल्प के लिए इस योजना के जरिए 1 घंटे से भी कम समय में 1 करोड़ रुपए तक का लोन जारी करेगी। योजना से लघु उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों के अच्छे दिन आएंगे और इसका असर उत्पादों की गुणवत्ता में भी दिखेगा। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए आज नई योजना MSME का शुभारंभ किया गया। योजना के शुभारंभ के मौके पर पीतल नगरी में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी को शामिल होने के लिए भेजा गया था। जिगर मंच पर आयोजित कार्यक्रम में मेनका गांधी ने मुरादाबाद के पीतल कारोबार की जमकर सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के चलते पीतल कारोबार लगातार अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। मेनका गांधी ने पीतल उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के शामिल करने पर यूपी सरकार की सराहना की। मेनका के मुताबिक वह अक्सर पीतल उत्पादों की सुंदरता देखने नोएडा फेयर में पहुंचती हैं। मेनका गांधी ने कहा कि मुद्रा योजना से 1 लाख से ज्यादा पीतल कारीगर लाभान्वित हुए हैं। मुरादाबाद में लगभग 3.5 लाख पीतल कारीगर हैं जो अपनी मेहनत से हर साल करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा भारत लाते हैं। मेनका ने बैंक अधिकारियों से लघु उद्योगों को नई योजनाओं के तहत लोन देने में सक्रियता दिखाने का भी आह्वान किया। बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा, जैसे बताया गया है PMO ऑफिस से, तो क्या मुरादाबाद में भी इस तरह का कोई मार्केट बनाया जाएगा जो यहाँ के पीतल मजदूर हैं, पीतल में से लोग जुड़े हुए लोग हैं? I don't know कि कहाँ बाजार बनाया जाएगा। ये एक ई बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक ई बाजार बनाया जाए। और जो मैंने अपने भाषण में बताया था कि एक, जैसे कि मेरे मंत्रालय में हम लोगों ने शुरू किया है महिला ई हाट, कि जो भी महिला बनाती है उस पर हम लोग लगाते हैं मुफ्त में, और जो वो बेचती है वो सब कुछ वही रखती है। उसी तरीके से आई थिंक वी हैव मींस दैट वी विल ट्राई टू मेक ई बाजार। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा लोग परेशान होते थे लोन के लिए, अब सहूलत हो जाएगी तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा, लाजमी बात है। उसके लिए आपने एक आसान वो शुरू किया है सरकार ने। सांसद वरुण गांधी आजकल ज़्यादा सक्रिय नहीं है राजनीति में, कारण क्या है इसका?
किस चीज में सक्रिय? राजनीति में सक्रिय नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी देखभाल करते हैं। आपका नाम एनिमल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुरादाबाद में कुत्तों का और बंदरों का बहुत आतंक है। लोग कहते हैं कि आपने मना किया हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई के लिए, एक्शन करने के लिए। आज तक कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं जिसमें कुत्ते और बंदर ना आए। जी जी। तो आज का विषय ऐसे है कि मेयर साहब ने एक एबी और हमारे राकेश कुमार जी ने बहुत शायद उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा एबीसी सेंटर खोला है यहाँ। और मुझे कहा गया है कि 50 के करीबन जानवर कुत्तों को स्टरलाइज करते हैं। मैडम आपकी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है ना? सवाल मेरी रोक टोक होने से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है, चार स्टेट गवर्नमेंट ने बंद किया है, हमारी सरकारों ने बंद किया है। मैं कौन होती हूँ किसी चीज़ को बंद करने या ना बंद करने? लेकिन हर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है,